क्या है, साजन अग्रवाल हमारा भाई है, इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, ये मेरा रोहित शेट्टी है समझ लो, OTT में तो मास्टर आदमी है और हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और ये भी अपना भाई है सुरजीत, तो सुरजीत ने साजन को, दोनों को मिले, दोनों ने स्क्रिप्ट को डिसाइड किया, फिर साजन ने बोला ये रोल भाई करेंगे, मुझे रोल अच्छा लगा। गुज्जर समाज भी हमें बड़ा पसंद है, बड़ी इज्जत करते हैं हम गुज्जर लोगों की, हमारे बहुत सारे गुज्जर दोस्त हैं, तो ये उनको डेडिकेट है मेरा रोल, सारे गुज्जर समाज को ये रोल जो मैं कर रहा हूँ अच्छा लग रहा है, आप लोगों को बड़ी अच्छी बात है। ऐसा है कि जैसा मेरा नेचर है ये किसी की सुनता नहीं है, किरदार ही ऐसा है ये भी, और गुज्जर है अपने आप में ही बहुत बड़ी शख्सियत है, कई लोगों को मारा हुआ है और कई लोगों को मारेगा भी इसमें। और सुरजीत जो है वो हमें बड़ा पसंद करता है, मतलब समझ लो ये उभरा हुआ एक गैंगस्टर है जो हमारा फ़ैन है, हमारी तरह बनना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है वो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी जिसके वजह से हम दोनों की दुश्मनी हो जाती है, और वो चीज़ आप जानते हो इस दुनिया में एक ही चीज़ होती है और वो यहाँ बैठी हुई है, लड़की के वजह से दुश्मनी हो जाती है, पल्लवी जी हीरोइन है हमारी, तो बस ये हमारे सामने से एक बार गुजर जाती है, बस गुज्जर के दिल से गुजरी और गुज्जर गुजर गया, ऐसा हो गया। हम बड़ी इज्जत करते हैं संजय दत्त की, बाबा की, हम बड़ी, सबसे पहले तो हम बाबा को दुआ दे दें कि बाबा आप ठीक हो गए हो, बड़ी अच्छी खुशखबरी है, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का अगर कोई बाबा है तो वो तुम ही हो मेरी जान, वाह भगवान वाह, बचपन से लेके जवानी के सफ़र तक तूने मुझे क्या दिया भगवान, दर दर की ठोकरें खाने के बाद मैं तेरे पास आया तो तूने मुझे ठोकरा दिया, क्या मेरा गुनाह यह है कि मैंने पूजा से प्यार किया। बाबा तुम ग्रेट हो, बहुत सारे रोल करने हैं तुम्हें अभी और हम भी साथ करेंगे, बस हमारी दुआएं आपके साथ है। अगर आपको ऐसा लगता है मैं संजय दत्त की तरह लगता हूँ तो वैसे भी वो तो मुझे गुस्सा आ रहा था KGF पे नहीं, वो सीन मेरे डायरेक्टर ने शूट किया अभी प्रोमो के लिए, तो उसमें मैंने कुछ ऐसा अपना ऐड कर दिया, दो गन लेके चीखा मैं, समझ लो बॉलीवुड पे चीख रहा हूँ, कहाँ हो तुम लोग, दिखाई नहीं देता है तुम लोगों को। अभी अच्छे अच्छे रोल आ रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत सुखी हूँ। मेरे सुरजीत जिसको टिप की ज़रूरत नहीं है, बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू। मेरे बारे में एजाज भाई ने बता दिया था कि एजाज तो मेरा दिल का टुकड़ा है और हमारी दोस्ती बहुत पुरानी दोस्ती है, और जब मेरी मुलाकात साजन सर से हुई तो हमने, हमारा एक प्लान दूसरा था, और जैसे हम जब हमारी मुलाकात हुई तो सर ने कहा कि नहीं भाई हम इस फिल्म पे काम करते हैं और इसमें लीड आप ही करोगे और साथ में आपको एजाज भी रहेगा, क्योंकि हम पहले दोस्त थे और मैं भी चाहता था कि एजाज के साथ मैं काम भी करूँ, क्योंकि हमारी दोस्ती पर्दे पर भी दिखानी चाहिए और लोगों को दिखना भी चाहिए कि सुरजीत और एजाज की कितनी अच्छी दोस्ती है। लेकिन इस फिल्म में ऐसा हो गया कि एक लड़की के चक्कर में दुश्मनी हो गई। और मेरे साथ पल्लवी सिंह जी हैं जो ऑलरेडी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और ज्ञानचंद जी सर है जो हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। वैसे ज्ञानचंद से अच्छे पोस्टर कोई नहीं बनाता, आई एम टेलिंग यू। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि आप लोग, उनसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ, हमारी बहुत सारी बातें हुई कि इंडस्ट्री से मैं एज ए एक्टर मैं काम कर रहा हूँ और उससे पहले मैंने एज ए प्रोड्यूस काम किया था, तो होता है कि मन के अंदर, दिल के अंदर तसली होती है कि अगर मैं एक्टर बन रहा हूँ। देखिए बिल्कुल, मैं अगर एक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, करणी सेना से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसका सदस्य हूँ, तो मुझे उसकी पूरी उसका ध्यान रखना पड़ेगा, और मेरा एक नेचर हमेशा रहा कि मैं अच्छा काम करता हूँ और अच्छा भी करूँगा आगे भी। एजाज भाई भी हैं, हम सब मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं, तो है संगठन से जुड़े हैं तो अच्छा काम करेंगे, तो संगठन भी हमें उसको भी अच्छा लगेगा कि भाई सुरजीत है तो अच्छा काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि करनी सेना क्या कर रही है वो कर, लेकिन अच्छा काम कर रही है, और अच्छा मोटिवेट मैं भी दूंगा कि हम अच्छा काम करें, इंडस्ट्री के साथ में रह के, इंडस्ट्री के साथ मिल के अच्छा काम करें। हम बिल्कुल, मैंने आवाज़ उठाई, वो सब लोग चाहते थे कि जो OTT प्लेटफॉर्म पे जो आजकल चल रहा है ड्रामा, जो भी गलत, जो मैं क्या बताऊँ, तो होना चाहिए, सब लोगों की डिमांड थी और मैंने आवाज़ उठाई, वो सरकार ने इसको माना, अच्छी बात है। देखो हम एक बात कहना चाहेंगे कि थोड़े दिन के लिए ऐसी कुछ चीज़ें चल सकती है,
लेकिन हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में ये चीज़ें ज़्यादा नहीं चल सकती। ये जो हिंदुस्तान का कल्चर है बहुत खूबसूरत कल्चर है, वहाँ पे सभ्यता, रिस्पेक्ट, सारे रिलीजन को, जो आप कोई भी रिलीजन उठा लो, आप सिख कम्युनिटी उठा लो, आप मुसलमान उठा लो, आप हिंदू उठा लो, आप कोई भी, उसमें आपको सभ्यता बड़ी मिलेगी कि सब लोग, हमारे हिंदुस्तान में ये नहीं चल पाएगा। मैं तो ज्ञान जी मेरे मित्र हैं बहुत पुराने, पोस्टर तो ये अच्छे बनाते हैं लेकिन इन्होंने ये फिल्म भी बहुत अच्छी बना रहे हैं। और मेरी मुलाकात इन्होंने सुरजीत से कराई, हम मिले, बहुत मज़ा आया। पहले ही मुलाकात में ही हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई। मैंने ये एक सब्जेक्ट था मेरे पास, मैंने सुनाया इन्हें तो इन्हें बहुत पसंद आया और इन्होंने पल्लवी से मिलाया, ये एक म्यूज़िक वीडियो कर रहे थे उनके साथ और बातें बढ़ी और ये सिलसिला बढ़ गया। मैंने जब करेक्टर लिखा था गुज्जर का तो एजाज भाई को मैंने करीब ये 6 महीने पहले ये सुनाया था कि भाई कुछ ऐसा सोच रहा हूँ जो मैं आपसे ही कराऊँगा। तो अच्छे लोग मिले, एक अच्छा करने के लिए मिला और जब ये लोग जुड़े तो मेरे दोस्त थे सारे एक्टर, मतलब योगी राज, बदरुल इस्लाम, राजकुमार कन्नौजिया, के गोस्वामी, तो मज़ा आता चला गया। हमारे मतलब प्रेम चौधरी, विश्वजीत सोनी और फिरोज़ भाई, सब ने मतलब इतना प्यार दिया, इतने लोग इकट्ठे हो गए, सब पुराने दोस्त मिल गए, पुराने दोस्त इकट्ठे हुए और आज आप देख ही रहे हंगामा कर रहे हैं। इसमें काफ़ी सीनियर एक्टर भी है। गुज्जर की कहा जाता है कि गुज्जर की दोस्ती है, गुज्जर जान दे देगा, हाँ दिखाएगा, हाँ, लेकिन गुज्जर जान ले भी लेता है, जान ले लेता है, हाँ, तो यही हमारा है कि गुज्जर जान दे सकता है तो ले भी सकता है। और इसमें क्या है कि बात गुज्जर नहीं, गुज्जर इतना आइडियल था, ये सुरजीत जो है वो आइडियल मानते थे। जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि किस लेवल पे एक थी, लेकिन जब सच्चाई की बात आती है तो सच्चा आदमी जो है वो सच्चाई के साथ होता है। तो जब उसे पता चलता है कि गुज्जर कहीं ना कहीं गलत करने की कोशिश कर रहा है तो रिवेंज लेने के लिए आता है। और अभी क्या होगा देखना फिर। बस ये पैसे वाली कम्युनिटी जो है यूपी में गुज्जर है, जो BMW में खेतों में पुली रख कर लाते हैं, BMW के अंदर। मैं भी BMW में लासे लाता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे सबसे? नहीं, ये अमीर तबका है और ये बहुत ही स्टाइलिश अमीर ही आदमी दिखाए हैं। पूरा देख रहे हैं बंगला कितना बड़ा है, हर चीज़ स्टाइल, पहनावा, गोल्ड, सब कुछ। शौकीन आदमी है गुज्जर। जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला कि पूलियाँ डोते हैं वो लोग, तो मेरे जहन में था कि इस किरदार को, जैसे बाबा की बात की आपने, तो संजू बाबा करते या फिर भाई कर रहा है। टू बी फ्रैंक, मैंने कोई जादू नहीं किया है, वो घायल हो गया मुझे देखकर, तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये तो गुजर जाती है, तो मतलब इन पे देखो, ये अपने आप ही घायल हो जाते हैं मुझ पे। तो देखो, फायर ब्रिगेड भी लाल होता है, ये भी लाल कपड़े पहनती है, फर्क इतना है, वो घायलों को ले जाता है और ये घायल करके चली जाती है। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूँगी पहले तो साजन सर को और ज्ञान जी को कि इन्होंने मुझे मौका दिया है पहली बार तो काम करने का इनके साथ, और इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और अगर इस कैरेक्टर की बात करूँ तो शी इज़ अ वेरी क्यूट इनोसेंट टाइप ऑफ गर्ल, बट इसमें आपको सेजल के लाइक बहुत सारे वेरिएशंस दिखेंगे, देखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। सो यस, होपिंग फॉर द बेस्ट एंड आई एम एक्साइटेड। सर मैं क्या बोलना चाहूँगा, मैं तो इतना खुश हूँ आज आई ऐसी टीम के साथ में काम करके। तो मैं साजन भाई की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, आज इनके साथ में मैं जुड़ा हूँ, 2-3 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन साजन भाई के बारे में मेरे मुझे आज तक कोई आदमी ऐसा निगेटिव बोलने वाला नहीं मिला कि यार उनका कोई कंप्लेंट है या कोई पेमेंट है कुछ भी नहीं। आज कोई भी एक्टर इनका नाम सुनकर तुरंत काम करने को तैयार हो जाता है। खुश नसीब हूँ कि एजाज भाई फटाक से इनके गुडविल पर तैयार हुए एक मीटिंग में। एक सीन क्या है कि मतलब हम लोग जा रहे हैं अपनी मस्ती में गाड़ी में बैठ कर के, अचानक एक लड़की खूबसूरत सी निकलती है जो हमारे इसमें हमारे साहब हैं, उनकी जो नीयत है थोड़ी सी उस पर थोड़ी सी डोल जाती है, डोल के जाती है, हम चार सबकी डोल गई थी, लेकिन क्या करते हैं वो लड़की को पकड़ने गए, लड़की ने चीखना चाकना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना, तो वहाँ पर क्या वो दो फिर क्या करें, हम लोग पकड़ के ले गए ना उसको। फिर अभी हम, आप क्या करने वाले हैं उसका जी? उसके फादर को मदर को मारने वाले हैं, मार देंगे, उसके भाई को मारेंगे, उसके बाद लास्ट में हम मर जाएंगे, यही नहीं, ये दोनों मरे, मैं क्या मर रहा हूँ, मैं भी मर रहा हूँ क्या? तो वी आर डूइंग लाइक दैट। इस शॉर्ट फिल्म का नाम है दबंगई। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग कितने दबंगई दबंग दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पर दबंग में तो सिर्फ एक सलमान था, यहाँ 3 सलमान बैठे हैं और हम सब की दबंगई है। ये साजन अग्रवाल जी ने लिखा है इसको और डायरेक्शन भी साजन जी ही कर रहे हैं। साजन जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, 20 साल पहले
हम कई फिल्म साथ में कर चुके हैं और कंटिन्यू कुछ ना कुछ हम लोग सब साथ में काम करते रहते हैं। साजन जी के बारे में क्या बताएं, साजन जी अच्छे राइटर हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं। मेरे हीरो के साथ हम दो लोग हैं, उनके लेफ्ट राइट बाबू और साबू, मैं साबू ये बाबू बदरुल भाई। और जाहिर सी बात है इसमें कटाक्ष भी है और इसका निर्देशन बहुत अच्छा किया है। जैसे कि इन्होंने तारीफ़ की भाई साजन अग्रवाल की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि साजन भाई एकमात्र ऐसे व्यक्ति है हमारे बॉलीवुड में जिनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, उनके लिए सब कुछ मुमकिन है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसका फलसफा आप देख रहे हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, मतलब इनके सबके नाम है बाबू। मैं बाबू का किरदार कर रहा हूँ इस फिल्म में। मेरे हिसाब से तो शॉर्ट फिल्म नहीं है, शॉर्ट फिल्म नाम ज़रूर दिया है लेकिन मेरे हिसाब से शॉर्ट फिल्म नहीं है, क्योंकि सारा मसाला बड़ी फिल्म वाला है पूरा तकरीबन। और बहुत खूबसूरती के साथ साजन भाई ने इसको लिखा है, उतनी खूबसूरती के साथ हमें सजाया है और हम अब इस फिल्म को सजाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अभिनय से और साजन भाई अपने डायरेक्शन से।